लेकिन अब जो योगी सरकार जो कानून लेकर के आ रही है उसमें कहा गया है कि किसी भी प्रकार से हो लेकिन जमीन, अब शेड्यूल कास्ट को अपनी जमीन वो किसी को भी बेच सकता है। तो इसके दो फायदे हैं, पहला एक एक फायदा और एक नुकसान है। फायदा जो मुझे लग रहा है वो ये है कि जो आदमी दिल्ली महानगरों में आ गया, उसकी नौकरी लग गई, मुंबई चला गया, शहरों में जाकर के बस गया, उसकी ज़मीन 2-4-5 बीघा गांव में पड़ी है। अब शेड्यूल कास्ट के लोगों के पास में उतना पैसा नहीं होता था तो वो आखिरी मंदी बेचता था उनको, लेकिन अगर वो अब दूसरे लोगों को बेचेगा तो बाजार भाव पर उस चीज़ को बेच सकता है। पहला फ़ायदा इसका ये है। दूसरा नुकसान जो सबसे बड़ा है, नुकसान ये है कि वो जो गाँव देहात में लोग जो रहते हैं और जो सवर्ण लोगों के यहाँ, जो दबंग लोगों के यहाँ जो नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो उन पर पैसा ब्याज पर देते हैं और कर्जा पर्जा करके उसको बढ़ाए चले जाते हैं, तो उनकी जमीनें हड़पी जाएंगी। तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो यह है। इसका फायदा 10% है, नुकसान 90% है। तो मैं इसका विरोध सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोगों को अब सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ सरकार एक तरीके से लॉ ले आई है और लॉ ये कह रहा है कि आपकी जमीन अगर आप बेचना चाहते हैं, मतलब बेचना कि आपकी जमीन को अब जबरदस्ती जो दबंग लोग हैं, अभी देखो ना, अभी जो मायावती गवर्नमेंट में जिन लोगों को पट्टे मिले थे वो आज तक कब्जे नहीं मिले, पजेशन नहीं मिला उसका। जब पजेशन नहीं मिला किसी चीज़ का तो पहली बात तो पजेशन ही नहीं है। अब जो लोग तुम्हारे नाम पर जमीन चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कब्जा दूसरे का है, और जब तुम्हें बेचने का अधिकार मिल जाएगा फिर तो आदमी कहता है चल रहा तू मुझे 10,000 रुपये दे, कब्जा तो तेरे चल गया, अपने नाम भी करा ले। तो वो जो 20 लाख की जमीन थी, 10 लाख की जमीन थी, वो कहीं ना कहीं कौड़ियों के दाम में उससे छिन जाएगी। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कानून आ गया है ना, अब दलित को जमीन बेचने के लिए डीएम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, एसडीएम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, परमिशन लेने के लिए आसानी से जमीन बिक जाएगी उनकी। मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में कि 10% इस कानून का फायदा है, 90% इस कानून का दुरुपयोग होगा। फायदा यही है कि जो हमारे जैसे लोग महानगरों में आ गए, तुम्हारे जैसे लोग महानगरों में आकर के बस गए, गांव की तरफ पलट करके जाना नहीं है, गांव में 2-4-5 बीघा 10 बीघा जमीन थी, अब वो बेचनी है। शेड्यूल कास्ट के लोग चाहते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के पास में उतना पैसा नहीं है, वो खरीदेंगे तो आखिरी मंदी खरीदेंगे, या आदमी उसको छोड़ देता था, अब वो बेच सकता है तो उसका उसको बाजार भाव मिल जाएगा। तो ये 10% फायदा है, नुकसान जो है वो 90%, और जो नुकसान है वो भी मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से उनकी जमीनें छीनी जाएंगी, क्या होगा, क्या हश्र होगा। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि नुकसान ज़्यादा है, ये कानून नहीं आना चाहिए और इस कानून का विरोध होना चाहिए। योगी सरकार से जो पूर्व की सरकारें रही हैं, चाहे वो मायावती गवर्नमेंट रही हो यूपी के अंदर, चाहे अखिलेश की गवर्नमेंट रही हो, चाहे उससे पहले कांग्रेस की सरकारें रही, उन्होंने कानून बनाया था कि, और कानून ये था कि शेड्यूल कास्ट की ज़मीन वही आदमी खरीद सकता है जिसके पास में 20 बीघे से 16.5 बीघे पक्के से ज़्यादा जो है वो ज़मीन हो। इसका मतलब ये था कि अगर आप ज़मीन बेचेंगे तो, क्योंकि होता क्या था कि दलित समाज के लोग अनपढ़ थे, शिक्षा का अभाव था, अक्सर लोग नशे के आदि थे, तो उल्टे सीधे कहीं से पैसे ले लेते थे, कोई उनका हिसाब किताब होता नहीं था, और जो साहूकार लोग थे, वो साहूकार लोग जो थे वो उल्टा सीधा हिसाब बना करके उनकी ज़मीनों को हड़प लेते थे। तो इसलिए कानून बनाया गया कि ज़मीन के लालच में कोई इनको पैसा ना दे, इनका शोषण ना हो, तो इसलिए कानून बना दिया गया था शेड्यूल कास्ट की ज़मीन जो है वो शेड्यूल कास्ट खरीदेगा। कि बहन जी ने ज़मीन बांटी दलितों को, भूमिहीन लोगों को ज़मीन बांटी, 1 रुपये में फ्लैट दिए, और योगी सरकार ज़मीन छीन रही है दलितों से कानून ला करके। ये तो इस देश के शेड्यूल कास्ट को सोचना चाहिए कि आपका हितैषी कौन है। अगर आपको लगता है कि आपकी हितैषी बसपा है, आपकी हितैषी अन्य दूसरी गवर्नमेंट है जिन्होंने आपको ज़मीनें दी, जिन्होंने आपको पट्टे दिए, जिन्होंने आपको पजेशन दिलवाया, तो आपको उन गवर्नमेंट का, उन पार्टियों का साथ देना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए धर्म बहुत ज़रूरी है, तो फिर आपको बीजेपी सरकार है, और बीजेपी की सरकार जो हिंदुत्व के आधार पर चलती है, और हिंदू धर्म में किसी भी शूद्र को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। और अगर योगी सरकार इस कानून को ला करके आपसे संपत्ति छीनना चाह रही है तो वो कुछ गलत नहीं कर रही, वो वही कर रही है जिस काम के लिए वो आए थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि मनुस्मृति का कानून आ गया है तो दलित ना जमीन रख सकता है, ना पैसा रख सकता है, ना एजुकेशन ले सकता है योगी सरकार में। मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, मैं वो कह रहा हूँ कि जो लोग हिंदू धर्म की चादर ओढ़ करके घूम रहे हैं, और जो लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग तो हिंदू हैं साहब, हम तो कट्टर हिंदू हैं, तो हिंदू धर्म के अनुसार, सनातनी परंपराओं के अनुसार आप इस बात को समझिए कि SC ST OBC और माइनॉरिटी और महिलाओं को संपत्ति रखने का, शिक्षा लेने का, अच्छे मकानों में रहने का अधिकार है ही नहीं। और अगर योगी सरकार ये कानून लेकर के आई है तो वो वही काम कर रहे हैं जो जिस काम के लिए वो आए थे और जिस काम के लिए वो बने हैं। महात्री जो पट्टे बांटे थे दलितों को, चाहे कृषि के पट्टे हैं, आवासीय पट्टे हों, उन पर उनको वो तो मिला ही नहीं अभी तक पजेशन, तो वो बेचने में फायदा आना उनको, तो दबंगों के कब्जे में है आज भी वो। कल को अगर सपोज करो बसपा की सरकार आ गई, या कोई बसपा के अलावा दलित हितैषी सरकार जो वो आ गई, और
जब वो सरकार आ जाएगी तो ये पजेशन तो एक मिनट में मिल जाएगा। जो लोग अपने आप को दबंग कह करके शेड्यूल कास्ट की ज़मीनों पर कब्जा जमा करके बैठे हैं और पजेशन नहीं दे रहे हैं, ये उनके उनको ये भी तो हो सकता है कि योगी बाबा की सरकार हमेशा थोड़ी रहेगी। कल अखिलेश की आ जाए, अखिलेश की कोई ऐसा लॉ लिया है, मायावती की आ जाए, मायावती या कांग्रेस अन्य कोई राजनीतिक दल इस प्रकार का कानून ले आएगा, शेड्यूल कास्ट की ज़मीन अगर किसी के कब्जे में है वो तत्काल प्रभाव से छोड़ जाओ, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाए, तो एक मिनट में निकली आएगी। तो ये सरकार की सह है। और ये कहना कभी उनको पैसा मिल जाएगा, मैं अगर 20 लाख रुपए की ज़मीन अगर कोई 2 लाख रुपए में लिखवाना चाहता हो और कहता हो चल हमारे नाम पे कर दे, जोत वो तो हम ही रहें, तो ये शोषण है एक तरीका। और सरकारों को सोचना चाहिए, शेड्यूल कास्ट के लोग इस देश का अमन चैन, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि अगर इस देश का अमन चैन किसी के ऊपर टिका है तो वो इस देश के शेड्यूल कास्ट के पेशेंस के ऊपर टिका है। जिस दिन इस देश में शेड्यूल कास्ट ने अपना पेशेंस खो दिया, मेरी गारंटी है यहाँ की मिलिट्री और फोर्स कम पड़ जाएंगी। और आपने देखा नजारा 2 अप्रैल का, 2 अप्रैल को जब शेड्यूल कास्ट नीला गमछा गले में डाल करके हाथ में लाठी लेकर के निकला तो आगे आगे सरकार थी, पीछे पीछे शेड्यूल कास्ट था। एक दिन में एट्रोसिटी एक्ट का जो बिल था वो क्या नाम रद्द हो गया, जो लेकर नया बिल लेकर के आए थे। तो इस देश की सरकारों को चाहिए कि वो शेड्यूल कास्ट के लोगों को ना छेड़े, उनको ना ज़्यादा परेशान करे। अगर वो हाथी जैसा समाज जाग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि दलित जो है दूसरे खेतों में मजदूरी और ज़्यादा करने लगेंगे, जमीन छिन जाए उनकी। देखिए मैं पहली बात तो अपने तमाम शेड्यूल कास्ट के लोगों से एक बात कहता हूँ कि आपके पास गांव में ज़मीनें हैं नहीं, बहुत कम है, देश भर में कहीं थोड़ी बहुत है और वो भी किसी दूसरे कब्जे में, आपको मजदूरी करनी है तो मजदूरी करनी है तो फिर शहरों की तरफ पलायन आप क्यों नहीं करते हो। शहरों की तरफ आइए, मजदूरी करोगे नगद पैसा मिलेगा आपको, सुबह काम करोगे शाम को पैसा मिल जाएगा, जातिगत आधार पर आपका शोषण नहीं होगा। तो आपको अगर रहना है तो शहरों की तरफ रहिए। देखिए एक कहावत हमें बुलंदशहर का रहने वालों, हमारे एक कहावत है कि बनिए को शहर और भैंस को ढेर। अगर बनिए के पास, बनिए गाँव में जब तक रहता है जब तक गरीब होता है, जब तक वो सबकी सुनता है, लेकिन जब उसके पास पैसा आ जाता है वो शहर की तरफ को चल देता है। तो ठीक है, बात हमको समझनी चाहिए कि शेड्यूल कास्ट का आदमी अगर गरीब है तो उसको गरीबी में जो है वो गांव में नहीं रहना चाहिए, शहर की तरफ उसको पलायन करना चाहिए, शहर में जाकर के मजदूरी करे, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे, गांव से अच्छा जीवन हो सकता है। तो मेरा मानना है कि जो लोग दूसरे के खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, उनका शोषण जातिगत आधार पर हो रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, तो उनको वो गाँव छोड़ देना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जिस देश में आपको सम्मान न मिले वो देश छोड़ दो, जिस गाँव में सम्मान न मिले, जिस शहर में सम्मान न मिले, जिस धर्म में सम्मान न मिले वो छोड़ दो, बस वहाँ रहिए जहाँ आपको सम्मान मिले। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस कानून से भूमाफियाओं की चांदी है, बल्ले बल्ले हो गई है, वो जमीन कब्जा लेंगे आसानी से। मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखिए 90% नुकसान में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि भूमाफिया या जो लोग जमीन से जुड़े जातियाँ हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से जाट है, जाट जमीन से जुड़ा हुआ है और वो चाहता है, अभी देखेंगे बागपत, बड़ौत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये जो बेल्ट है ये जाट बेल्ट है, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के जो पट्टे बसपा सरकार में मिल गए थे वो आज भी जाटों के कब्जे में हैं। बहुत सारे मेरे पास फ़ोन आते हैं, भैया हमारी ज़मीन फलाने चौधरी के कब्जे में, तो ये वो उन जातियों को फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। तो आप तमाम चीज़ों को समझें और कहीं ना कहीं वो उसका नुकसान जो है वो ज़्यादा होगा, मतलब जमींदार और बड़े जमींदार हो जाएंगे, जमीन मिल जाएगी उनको। हाँ देखिए जब भी इस प्रकार का कोई लॉ आता है तो उसका हमेशा यही होता है कि मजबूत जो है वो और मजबूत होता चला जाता है और जिसका शोषण हो रहा है वो और शोषण उसका होता है। फिर वही बात आती है जो एस सी एस टी के जनप्रतिनिधि हैं वो क्यों मांग नहीं उठा रहे हैं कि ये कानून वापस हो जाए। अब वो अपनी बेचारे जनप्रतिनिधि अपनी प्रॉपर्टी बचाएं, अपने आप को बचाएं ईडी सीबीआई से, या इस कानून का विरोध करें। कानून का विरोध करेंगे तो थोड़ी सी चूड़ी और चढ़ा दी जाएगी, चुप हो जाएंगे। तो नेताओं से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, चाहे एससी एसटी ओबीसी के नेताओं से, कि वो आपका कोई भला करेंगे, उनसे कोई उम्मीद नहीं है। वो फिलहाल अपने आप को, अपने परिवार को और अपनी संपत्ति बचाने के मूड में है। कोर्ट का रास्ता अपना सकते हैं वो लोग? नहीं, कोर्ट का रास्ता तो अगर कानून से किसी को दिक्कत है तो कुछ संगठन है जो यूपी में काम कर रहे हैं, वो उनको चाहिए इलाहाबाद कोर्ट का या हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जो है वो दरवाज़ा खटखटाएं सरकार के खिलाफ।